सवाल इसलिए क्योंकि जिस लॉरेंस बिश्नोई पर मूसेवाला की हत्या करवाने का आरोप है, उसका नया खुलासा इसी ओर इशारा करता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला है कि वो और गोल्डी बरार चाहते थे कि मूसेवाला उसके लिए गाना गाए, और सिर्फ इसी वजह से बिश्नोई गैंग मूसेवाला पर लगातार दबाव बना रहा था। कई बार उन्हें धमकी भी दी गई, लेकिन मूसेवाला ने बिश्नोई गैंग की पेशकश ठुकरा दी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार दोनों गैंगस्टर मूसेवाले के फैन थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों को मूसेवाले का गाना खूब पसंद आता था, लेकिन दोनों बंदूक की नोक पर मूसेवाले से परफॉर्म कराना चाहते थे। मूसेवाले बिश्नोई गैंग के लिए गीत गाए, इसे बिश्नोई और बरार ने अपने नाक का सवाल बना लिया। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी बताया कि सिद्धू मूसेवाला बम्बीहा गैंग के संपर्क में था। कहा जा रहा है कि बिश्नोई की धमकी की वजह से ही उसने बम्बीहा गैंग से संपर्क साधा। हालांकि बम्बीहा गैंग पहले से ही कह चुका है कि मूसेवाला का उससे कोई रिश्ता नहीं था। मूसेवाला की मौत का बदला लेने की धमकियों के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। इस बीच बड़ी खबर ये है कि लॉरेंस बिश्नोई भागने की साजिश रच रहा है। जांच एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है और इसी दौरान वो भागने की कोशिश भी कर सकता है, इसलिए उसकी रिमांड और कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। जांच एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक अगर लॉरेंस बिश्नोई को कभी कोर्ट से जमानत मिलती है तो वो विदेश भाग सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल भी विदेश में रहता है और मूसेवाले हत्याकांड को लेकर वो भी जांच के दायरे में है। लॉरेंस बिश्नोई आज तक किसी हत्या में सीधे तौर पर शामिल नहीं रहा है। वो हत्या और फिरौती के लिए अलग अलग गैंग से मदद लेता है, और जो लोग उसके गैंग के हिसाब से काम नहीं करते उनको अपने गैंग से निकाल देता है। इस तस्वीर में पुलिस कर्मियों के बीच जिन दो लोगों के हाथ बंधे हैं उनके नाम हैं संदीप उर्फ केकड़ा और मनप्रीत उर्फ मन्ना। मानसा कोर्ट में केकड़ा की पेशी हुई और उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली। केकड़ा बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। आरोप है कि केकड़ा ने ही मूसेवाला की मुखबिरी की थी। केकड़ा सिरसा का रहने वाला है और उसकी मौसी मूसेवाला के गाँव मूसा में रहती है। यही वजह है कि वो कई बार उस गाँव में जा चुका था और बिश्नोई गैंग ने उसे अपना मुखबिर बना लिया। केकड़ा ने मूसेवाला की हत्या से ठीक 15 मिनट पहले उनके साथ सेल्फी ली और शूटर्स को उनके निकलने की जानकारी दी, जिसके बाद मूसेवाला की हत्या कर दी गई। केकड़ा के परिवार का कहना है कि उसे नशे की लत है और वो 2 हफ्ते से घर नहीं आया। केकड़ा के साथ आरोपी प्रभदीप को भी अदालत में पेश किया गया। प्रभदीप को 3 दिन की रिमांड मिली। देखो, पुलिस ने रिमांड की थी 10 डेज की दोनों के लिए, लेकिन जो रिमांड मिला है दैट इज फॉर 4 डेज एंड 5 डेज। मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संदीप सिंह उर्फ केकड़ा, जिसने मूसेवाला की मुखबिरी की, मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, जिसने टोयोटा कोरोला कार मनप्रीत भाऊ को दी, मनप्रीत भाऊ जिसने टोयोटा कोरोला कार 2 शूटर्स को दी, सरज मिंटू जिसने गोल्डी बरार और सचिन थपन के निर्देश पर काम किया, प्रभदीप सिद्धू उर्फ पब्बी, इसने मूसेवाला के घर की रेकी की, मोनू डागर, इसने गोल्डी बरार के कहने पर 2 शूटर्स का इंतजाम किया, पवन बिश्नोई, इसने शूटर्स को पनाह देने के अलावा बोलेरो कार मुहैया कराई, नसीब, शूटर्स को मदद पहुंचाने में ये पवन बिश्नोई के साथ था। ये वो लोग हैं जिन्होंने मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटर्स की मदद की, लेकिन जिन 7 शूटर्स की पहचान हुई है वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दिल्ली से राजू राज के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया, मानसा।